जिसको SLD नंबर जिसको अलर्ट किया गया, वो जब लग जाएगा तो निश्चित स्पीड जो फिक्स की है वहां भारत सरकार ने, उसके तहत फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाएगी उसको, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगी, वाहन की स्पीड लिमिट वहीं पर हो जाएगी, कट ऑफ मार जाएगी, जिससे जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें कमी आएगी। क्योंकि अत्यधिक दुर्घटनाएं जो होती हैं ओवर स्पीड की वजह से ही होती हैं, तो जब ये स्पीड गवर्नर लग जाएंगे तो मेरे अनुसार इसमें स्पीड कमी आनी चाहिए दुर्घटनाओं में। जब से ये आगरा एक्सप्रेस भी बना है और ये जो आपके नेशनल हाईवे हैं और स्टेट हाईवे से गुजर रहे हैं, इन पर सड़कों की हालत काफ़ी सुधार मांग रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी के द्वारा सुझाव दिए गए। जो महत्वपूर्ण चिंता की बात है वो ये है कि अब तक मात्र 9.5 महीना हुआ है, इसमें कुल मिलाकर के जो आंकड़े बताते हैं उनमें 726 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं कुल मिला के, जिसमें 411 लोग हताहत हुए हैं और 476 लोग घायल हुए हैं और 76 लोग जिसमें परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, विकलांग हो गए हैं। तो ये चिंता का विषय है। उन्नाव में सड़कों पर फर्राटा भर रहे तेज रफ्तार वाहनों की रफ्तार पर अब लगेगी ब्रेक, क्योंकि उन्नाव RTO प्रशासन ने इन सभी भारी वाहनों में स्पीड गवर्नर डिवाइस लगानी शुरू कर दी है। एक सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 9 माह में उन्नाव में 726 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 411 लोगों की जान गई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इन दुर्घटनाओं पर ये स्पीड गवर्नर डिवाइस कितना लगाम लगा पाती है। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ETV भारत।